हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक। और आप में से यार बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि मोबाइल कंट्रोलर को लेकर एक वीडियो बनाओ, तो आज की वीडियो में हम एक मोबाइल कंट्रोलर की ही वीडियो बनाएंगे। ये वाला कंट्रोलर नहीं, ये तो एक्सबॉक्स का कंट्रोलर है और ये जो कंट्रोलर है मैं यूज़ करता हूँ अपने पीसी और जैसे एक्सबॉक्स के साथ। तो जो कंट्रोलर में यार एक बात काफ़ी अच्छी खासी होती है कि काफ़ी यार अच्छा तरीके से आप गेम्स वगैरह खेल सकते हो और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बटन्स वगैरह मिल जाते हैं, तो इस वजह से जो गेम प्ले है वो भी काफ़ी बेटर हो जाता है। और जब मोबाइल की गेम खेल रहे होते हो तो थोड़ा सा यार ये चीज़ का प्रॉब्लम रहता है कि यार सारे जो बटन्स होते हैं वो स्क्रीन पर ही होते हैं। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक मोबाइल कंट्रोलर की वीडियो बनाएंगे और ये है MKit की तरफ से Evo Gamepad Pro 4। और ये जो गेमपैड और कंट्रोलर है ये स्पेसिफिकली मोबाइल के लिए बना गया है, 2-3 महीने पहले लॉन्च हो गया था लेकिन अब मुझे थोड़ा टाइम मिला है इसकी वीडियो बनाने का। तो आज की वीडियो में हम इसी की अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ में इसको पबजी में भी ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि फ्रंट पे ही दिख रहा है कि यहाँ पर पबजी ये ट्राई कर रहे हैं, तो पबजी में ट्राई करेंगे। और वैसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कंट्रोलर को लेकर पबजी में क्या रहता है सीन, तो मैं ये बोलूँगा कि मजे के लिए खेलो, सब कोई सीन वीन नहीं है। और बाय द वे इस गेम पैड की अनबॉक्सिंग करने से पहले यहाँ पर आपके लिए एक अनाउंसमेंट भी है, तो आप में से 2 लोग ये जो गेम पैड है जीत सकते हैं। ब्रांड न्यू गेम पैड्स में यहाँ पर गिवे कर रहा हूँ, तो अगर आपको इसको जीतना है तो ये वीडियो पूरी देखना, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो ये तो है इसका बॉक्स, तो बॉक्स में आप जैसा देख सकते हो किस तरह का आपको ये कंट्रोलर देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये एंड्रॉयड और iOS दोनों को सपोर्ट करता है। और अगर आप ये जो कंट्रोलर लेना चाह रहे हैं तो एक चीज़ है, लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो कंट्रोलर है ये दोनों iOS और एंड्रॉयड दोनों को सपोर्ट करता है, लेकिन जो एंड्रॉयड में जो MediaTek के प्रोसेसर होते हैं उनको ये सपोर्ट नहीं करता है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। लेकिन बाकी जितने भी डिवाइसेज होंगे ये फ्लॉलेसली काम करता है। और यहाँ पर जैसे साइड में लिखा गया है कि इंस्टेंट प्ले यहाँ पर सपोर्ट करता है, यानी पबजी मिनी मिलीटा, ये मैंने आज तक कभी गेम नहीं खेली है, आप में से कितने लोगों ने खेली है मुझे नीचे बताना। और यहाँ पर फ्री फायर और मोबाइल लेजेंड, तो ये इंस्टेंट प्ले यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है जो कि मुझे लगता है काफ़ी अच्छी चीज़ है। पीछे की तरफ यहाँ पर कुछ और स्पेसिफिकेशन वगैरह भी लिखी गई है, तो यहाँ पर L3 और R3 दो एक्स्ट्रा बटन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा ब्लूटूथ 4.0 है, यहाँ पर सिक्योर स्मार्टफोन क्लैंप है, और उसके बाद 12 घंटे का आपको नॉन स्टॉप प्ले टाइम मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि काफ़ी बड़ी यहाँ पर बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये तो इसका बॉक्स है, और जल्दी से इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। और बाय द वे इसका जो यहाँ पर प्राइस लिखा गया है वो लिखा गया है 2599 रुपये, लेकन ये आप खरीद पाएंगे अराउंड 2000 रुपये के अंडर में, तो जाके आप चेक कर सकते हैं, नीचे मैंने लिंक दे दिया है। तो जल्दी से अभी ये जो बॉक्स है इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं हमारा कंट्रोलर, क्योंकि मुझे लगता है कि बकवास काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो बॉक्स ओपन करते ही यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिल जाएगी, तो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कैसे इसको कनेक्ट करना है अपने फ़ोन के साथ, तो यहाँ पर ये आप क्विक स्टार्ट गाइड है इसे पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप यहाँ पर इनको कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। यूज़र मैनुअल है, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा किस तरह से आपको ये जो अपना फ़ोन के साथ पेयर करना है। तो अब आते हैं कंट्रोलर की तरफ, तो कंट्रोलर है वो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। और फर्स्ट यहाँ पर इंप्रेशन की बात करूँ तो मेरे को लगता है कि ये जो कंट्रोलर है ये काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी है, काफ़ी अच्छा खासी यहाँ पर ग्रिप है, और मुझे जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी लग रही है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक चार्जिंग केबल भी दी गई है जो कि है माइक्रो USB चार्जिंग केबल, तो इसको अगर चार्ज करना होगा, जहाँ पर आपको एक पोर्ट दिया गया है माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट, तो आप इसकी मदद से इसको चार्ज कर पाएंगे। तो ये तो है इसका कंट्रोलर, और ऑरेंज और ब्लैक कलर में आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और अगर लेआउट की बात करूँ तो मेरे पास जैसे एक्सबॉक्स का यहाँ कंट्रोलर पड़ा है, तो लेआउट ऑलमोस्ट यहाँ पर सिमिलर सही है, दो यहाँ पर आपको जॉयस्टिक्स देखने को मिलती है सिमिलर पोजीशन पर, साथ में आपको यहाँ पर एक डी पैड भी दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट का बटन है, टर्बो का बटन है, स्टार्ट और क्लियर का बटन है, और उसके अलावा यहाँ पर आपको ये जो फंक्शंस की हैं AX YB, और उसके बाद ये जो यहाँ पर आप अपना जो मोबाइल है लगा सकते हैं। तो क्लैंप डिज़ाइन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सिक्योर फिट रहेगा। मुझे यहाँ पर जो क्वालिटी है ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी अच्छा खासा क्लैंप यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद बीच में ही आपको यहाँ पर होम बटन दिया गया है, तो जैसे आप अपना फ़ोन को पेयर करना चाहेंगे तो ये होम बटन के थ्रू कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर 2 ट्रिगर बटन दिए गए हैं, लेफ्ट और राइट का, और शोल्डर बटन है, और उसके अलावा आपको यहाँ पर पीछे की तरफ 2 एक्स्ट्रा बटन भी दिए गए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पर बटन हैं वो आप किसी गेम्स में यूज़ कर सकते हैं, तो वो जब हम पेयर करेंगे और खेलेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से आप इसको यूज़ करवाएंगे। और उसके बाद आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर जो टेक्स्चर है वो काफ़ी सही अच्छा खासा है, तो ग्रिप है वो भी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी खासी होगी इसकी, और अच्छी लग भी रही है। तो ये तो है Evo Gamepad Pro 4। अब जल्दी से एक बार इसको जो अपने फ़ोन के साथ पेयर कर लेते हैं, और उसके बाद इस Evo Gamepad Pro 4 को Evo ग्राउंड में टेस्ट करेंगे और देखेंगे वहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो सबसे पहले तो सेटअप कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अपने फ़ोन में जो ब्लूटूथ है उसको ऑन कर लीजिए, और उसके बाद ये जो क्लैंप है इसको ओपन करेंगे, तो जैसे होम का जो बटन है होम और ए, ये दोनों को आपको इकट्ठे प्रेस करके रखना है, और जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये जो ब्लिंकिंग लाइट शुरू हो गई है, तो यानी ये पेयरिंग मोड पे आ गया है। और उसके बाद अपने फ़ोन में यहाँ पर आप Evo Gamepad Pro 4 देख सकते हैं, और इसको जैसे आप
क्लिक करेंगे तो ये फोन से अब आपके पेयर हो गया है। और पेयर करने के बाद आपको ये ऐप ओपन करनी है शूटिंग प्लस V3, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ईवो गेम पैड प्रो 4 कनेक्टेड है और नीचे कुछ गेम्स के यहाँ पर लिस्ट आ रही है। तो अगर आप फोर्टनाइट, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर या जैसे नीड फॉर स्पीड वगैरह जैसे गेम खेलते हैं तो इनमें आपको ये जो सारे कंट्रोलर्स हैं ऑलरेडी मैप्ड हैं। और पबजी स्टार्ट करने से पहले अपना जो कंट्रोलर है इसको यहाँ इस क्लैंप में आप लगा लीजिए, और उसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पर ये जो क्लैंप है इसे ऐसे पुश करके लगा लेना है, और काफ़ी अच्छे तरीके से लग गया है और काफ़ी सिक्योर भी है। तो यहाँ पर क्लैंप से रिलेटेड कोई भी मुझे ऐसे प्रॉब्लम नहीं लग रही है, और इस क्लैंप की मदद से मुझे लगता है कि काफ़ी बड़े बड़े फोन जो होंगे 6.5 इंचेस तक भी आप लगा सकते हैं। और आप जल्दी से एक बार पबजी स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर ये जो कंट्रोलर है इस पबजी के साथ कैसे काम कर रहा है। और पबजी के साथ इन कंट्रोलर को यूज़ करने के लिए आपको एक जो सेटिंग है उसको भी चेंज करना होगा, और उसके लिए आपको यहाँ पर अपनी सेटिंग में जाना है। उसके बाद कंट्रोल पर क्लिक करिए और कस्टमाइज पर क्लिक करके ये जो लेआउट रहता है इसको डिफॉल्ट पे सेट कर दीजिए, अगर नहीं है तो रीसेट कर दीजिए। और अगर आप जैसे V3 पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देख सकते हैं जितनी भी कीज़ हैं वो ऑलरेडी मैप्ड हैं, तो यहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहें किसी भी की को अपने हिसाब से वो भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको ऑलरेडी यहाँ पर कुछ सेट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और जल्दी से एक बार अभी क्लासिक मैच यहाँ पर चालू कर लेते हैं और देखते हैं वहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके बाद इसको ईवो ग्राउंड में भी टेस्ट करेंगे। और एक चीज़ है कि अगर आप कभी गेम पैड्स वगैरह नहीं यूज़ करते हैं, पहली बार यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। मैं थोड़ा बहुत कभी कभी एक्सबॉक्स में गेम खेल लेता हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सारे चीज़ें हैं यहाँ पर काम अच्छे से कर रही हैं, और इसलिए मैं यहाँ पर जॉयस्टिक के थ्रू यहाँ पर ये अपना जो प्लेयर है इसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ। जंप करने के लिए ए रहेगा, बी से मैं यहाँ पर क्राउच कर रहा हूँ, एक्स से मैं यहाँ पर टोटल यहाँ पर प्रोन कर रहा हूँ, और वैसे मैं वाई अगर प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैप ओपन हो रहा है। तो ये काफ़ी सही चीज़ है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए मेरे को लगता है जैसे मार्किंग वगैरह के लिए आपको स्क्रीन टच ही करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लैंड कर गए हैं और जल्दी से कोई वेपन वगैरह ढूंढते हैं। और जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर ये जॉयस्टिक है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव भी है, और मुझे ऐसे कुछ लैग वगैरह नहीं नज़र आ रहा। हल्का फुल्का मेरे ख्याल से रहेगा भी, लेकिन वो भी मेरे को लगता है इतना नेग्लिजिबल है आपको पता भी नहीं लगेगा। तो मैं अगर वेपन स्विच करना चाहूँ तो वो भी यहाँ पर स्विच कर सकता हूँ डी पैड के थ्रू। और उसके अलावा आपको जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस गेम पैड में आपको पीछे की तरफ दो एक्स्ट्रा बटन भी दिए गए हैं जैसे आप देख सकते हो, और इन बटन्स को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कस्टमाइज़ किया हुआ है जैसे लीन के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पर अगर प्रेस करूँगा तो ये जो लीन है स्कोप ओपन हो रहा है। तो बटन्स है वो यार आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैंने लेफ्ट वाला जो बटन है उसे यहाँ पर स्कोप के लिए किया हुआ है, राइट वाला जो बटन है उसे मैंने फायरिंग के लिए किया हुआ है। उसके बाद मुझे रीलोड करना है तो मैं यहाँ पर शोल्डर बटन पर प्रेस करूँगा, और उसके बाद जो राइट वाला बटन है उसे मैं बैग ओपन कर सकता हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये जो सारी चीज़ें हैं ये यहाँ पर मैप की गई हैं। तो थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, टाइम लगेगा, लेकिन मेरे को लगता है काफ़ी अच्छे से आप ये जो सारे बटन्स के थ्रू भी गेम खेल सकते हैं। तो यहाँ पर एक शायद बॉट ही है, और तो जो रिकॉइल है उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हो सकता है अगर आप जायरो प्लेयर हो तो आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, और मैं जायरो प्लेयर नहीं हूँ तो रिकॉइल कंट्रोल करने में यहाँ पर थोड़ी सी मुझे मुश्किल हुई, हो सकता है प्रैक्टिस के बाद ठीक हो जाए। तो ये जो मैच है इसमें तो आपको मुझे लगता है सारे यहाँ पर बॉट ही दिख रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि अच्छी भी चीज़ है। मैं पहली बार खेल रहा हूँ तो थोड़ी प्रैक्टिस की मुझे ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ये कंट्रोलर काम कर रहा है। अब एक बार इसको ईवो ग्राउंड पे टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं वहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो क्लासिक मैच में तो यार काफ़ी ज़्यादा बॉट्स भरे हुए थे, तो वहाँ पर हमारी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो गई है। अब इसको एक बार ईवो ग्राउंड पे टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, होपफुली मैं यहाँ पर अच्छे से खेल पाऊँ। और पहला यहाँ पर किल ले लिया है, तो सेंसिटिविटी है वो थोड़ी सी हाई है, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे तो मेरे को लगता है काफ़ी अच्छे से गेम पैड यहाँ पर खेल सकते हैं, इस गेम पैड के साथ काफ़ी अच्छे से खेल सकते हैं। अरे 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 कितनी गोलियां मारी, मेरे भी नहीं मारा। तो जैसे आप देख सकते हो गेम पैड से काफ़ी अच्छे से खेल सकते हो, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत रहेगी अगर आप किसी भी नए तरीके से अगर खेलना चाहो तो, चाहे वो क्लो हो, थंब हो या कोई भी तरह का गेम पैड हो। ओके इतना स्केट क्यों मार रहा है मेरे भाई। तो वैसे हम ये मैच हार गए हैं, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी अच्छा यहाँ पर खेला, और गेम पैड भी है वो भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर काम कर रहा है। और थोड़ी सी एडजस्टमेंट के बाद मुझे लगता है कि आपको काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी गेम पैड से खेलने के लिए। और यहाँ पर एक बंदा है,
ऑलमोस्ट हमारे 11 किल हो गए हैं, जो कि मुझे लगता है काफ़ी अच्छी चीज़ है पहली बार यहाँ पर खेलने के बावजूद। और हम वैसे हार गए मैच, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा आपने देखा यार गेम पैड है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर काम कर रहा है और काफ़ी अच्छे से मैं यहाँ पर खेल पा रहा हूँ। और मुझे जो गेम पैड है एमकेट का ईवो गेम पैड प्रो 4 काफ़ी ज़बरदस्त लगा किसी भी तरह की गेमिंग के लिए। तो भाई ये तो है एमकेट का ईवो गेम पैड प्रो 4, डेफिनेटली मुझे ये जो गेम पैड है काफ़ी सही लगा। इससे आप पबजी जैसी गेम के अलावा भी बहुत सारी और दूसरी तरह की गेम भी खेल सकते हैं और काफ़ी अच्छे से जो गेम का एक्सपीरियंस रहता है वो काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है। तो अगर आपको ये खरीदना होगा मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा मैंने यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताया था कि मैं यहाँ पर दो जो गेम पैड्स हैं उनका गिवअवे कर रहा हूँ। तो जीतने के लिए आपको सिर्फ करना है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, काफ़ी ज़रूरी स्टेप है शेयर करना ताकि और लोगों को इस वीडियो के बारे में पता लगे। और उसके बाद आपको नीचे कमेंट करना है कि ये जो गेम पैड है अगर आप जीतते हैं तो आप इसको किस गेम के साथ यूज़ करेंगे, कौन सी गेम आपकी फेवरेट है जिसके साथ आप ये जो गेम पैड है इसे यूज़ करना पसंद करेंगे। तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, नीचे कमेंट कर देना। और जो विनर्स रहेंगे वो मैं अनाउंस करूंगा इंस्टाग्राम पर आज से 15 दिन बाद। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये जरूरी पार्ट नहीं है कि आपको मुझे फॉलो करना है या नहीं करना, वो आपके ऊपर है, लेकिन जितने भी गिवअवेज वगैरह रहते हैं वो मैं इंस्टाग्राम पर अनाउंस करता रहता हूं, तो अगर फॉलो कर लेंगे तो काफी अच्छी चीज है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ में आपको हमारा चैनल पसंद आया, आप चाहते हैं मैं इस तरह की और वीडियोज लेके आऊँ तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं अमन आपको मिलूंगा अगली बार।